हेलो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस 2000 प्लस एमसीक्यू के बारे में तो आप ऑलरेडी जान चुके हो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है ठीक है एग्रीकल्चर के हर एस्पेक्ट के एमसीक्यू इसके अंदर आपको मिलेंगे चाहे वो करंट अफेयर्स है चाहे वो uh, कुरुक्षेत्रा मैगजीन है चाहे वो स्टैटिक पार्ट है okay. चाहे वो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है और एक फ्री टेस्ट भी है इसके uh, uh, लिए आप ताकि उसको चेक करके फिर कोर्स को परचेज़ करो काफ़ी किफ़ायती दाम रखे हैं ताकि हर स्टूडेंट की रीच में आए और अगर आपको फ़र्दर कोई कंसेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा ठीक है अभी थर्टी परसेंट ऑफ़ भी चल रहा है इसके ऊपर थर्टी परसेंट ऑफ़ के लिए आपको कुछ नहीं करना एक कूपन कोड लगाना है अर्ली थर्टी ठीक है और उसके अलावा अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं वो अफोर्ड नहीं कर सकता कोड लगाने के बाद सिर्फ चार का प्राइस बैठता है इसका और अगर उसके बाद भी लगे नहीं आपकी रेंज में आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या मेल करें या टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर दें टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं इसका पीडीएफ डी टेलीग्राम पे मिल जाएगा सो गाइज दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर जो हम करंट एग्रीकल्चर डाटा डिस्कस कर रहे हैं ये जो हम करंट एग्रीकल्चर डाटा डिस्कस कर रहे हैं ना इसमें से भी जो प्रॉबेबल क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एम कोर्स के अंदर एडिड है तो क्रॉप डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं थर्ड लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था अब फोर्थ लेक्चर में भी इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास के अंदर हमने पल्सेस uh, जो है वो कवर कर लिए थे पल्सेज से रिलेटेड हमने क्रॉप डाटा देख लिया था अब हम ऑयल सीड्स के साथ शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग विद ऑयल सीड्स एरिया की बात करें बेटा सबसे पहले तो एरिया सबसे ज़्यादा अंडर कल्टीवेशन ऑयल सीड्स के है मध्य प्रदेश में अराउंड ट्वेंटी एट पॉइंट टू थ्री परसेंट और सेकेंड और थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान और महाराष्ट्र आता है जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सेकंड और जो थर्ड रैंकिंग्स हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो टॉपर पे ही आता है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है या सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका है या सबसे ज़्यादा यील्ड किसका है ठीक है लेकिन फिर भी जस्ट फॉर नॉलेज यहाँ पर दो और स्टेट्स मैंशनड है और परसेंटेज तो आपने सिर्फ टॉप का ही ध्यान में रखना है ठीक है प्रोडक्शन में अच्छा मैं लास्ट क्लास में भी बोला था इस क्लास में भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये तुक्केबाजी लगा करके मत चलना कि अगर किसी स्टेट के पास एरिया ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी उसी स्टेट का ज़्यादा होगा ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं हो सकता है ये हमेशा ट्रू नहीं होगा किसी किसी केस में ट्रू होगा लेकिन हमेशा ट्रू नहीं होगा क्योंकि यील्ड के ऊपर इरिगेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं कि आपकी टोटल प्रोडक्शन कितनी है एरिया हो सकता है आपका ज़्यादा हो लेकिन प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो यील्ड भी ज़्यादा हो ऐसा जरूरी नहीं है अब यहां पर देखो एरिया में तो एम नंबर एक पर है लेकिन प्रोडक्शन की बात करूं तो राजस्थान आ जाता है ठीक है बाईस के साथ और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और एम जो एरिया में सबसे ऊपर है एरिया सबसे ज़्यादा ऑयल सीड्स का एम के पास है लेकिन प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पर आ जाता है उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा ऑयल सीड्स के अंदर येल्ड येल्ड देखो तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है टू जीरो सेवन थ्री के जी पर हेक्टेयर का इरीगेशन वेस्ट बंगाल में, में सबसे ज्यादा है एटी एट पॉइंट वन परसेंट का और अगर मैं ऑल इंडिया लेवल पर इरिगेशन देखूं तो अभी 31.4 परसेंट का इरिगेशन पोटेंशियल डेवलप्ड है यानी कि अगर 100 हेक्टेयर जगह पर ऑयल सीड्स ग्रो किए जाते हैं तो हमारे देश में अभी सिर्फ 31.4 हेक्टेयर ऐसे ही ऑयल सीड्स लैंड है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है बाकी सारे का सारा रेनफेड है ग्राउंड पे आ जाओ एरिया सबसे ज़्यादा गुजरात के पास है 35.50 परसेंट उसके बाद सेकंड राजस्थान और थर्ड आंध्रा है प्रोडक्शन में भी इसमें फर्स्ट पे गुजरात है सेकंड पे राजस्थान है थर्ड पे आंध्र प्रदेश की जगह तमिलनाडु है और प्रोडक्शन गुजरात जो है 40.42 परसेंट प्रोड्यूस करता है उसके बाद बेटा यील्ड की बात करें तो तमिलनाडु का यील्ड अगेन सबसे ज्यादा है टू थ्री वन जीरो के जी पर हेक्टेयर का इरिगेशन राजस्थान के पास सबसे ज्यादा एट्टी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट का और ऑल इंडिया जो ग्राउंड नट का इरिगेशन है वो है थर्टी पॉइंट नाइन परसेंट ग्राउंड नट के बाद रेपसीड एंड मस्टर्ड के ऊपर आ जाए राजस्थान सबसे ज्यादा कल्टीवेट सबसे ज्यादा एरिया के अंदर कल्टीवेट करता है रेपसीड एंड मस्टर्ड को फोर्टी पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट फॉलोड बाई एम पी एंड यूपी प्रोडक्शन की बात करें क्योंकि एरिया इतना ज़्यादा है तो इसीलिए राजस्थान अगेन प्रोडक्शन में भी सबसे आगे है 44.57 परसेंट फॉलोड बाय एमपी एंड हरियाणा उसके बाद यील्ड की बात करें तो हरियाणा के पास 2027 केजी पर हेक्टेयर के uh, यील्ड के साथ सबसे आगे है इरिगेशन गुजरात के पास सबसे ज़्यादा है नाइन्टी का और ऑल इंडिया लेवल पे एवरेज अच्छा है इरीगेशन का रेपसीड एंड मस्टर्ड के लिए एट्टी पॉइंट के साथ सोयाबीन के लिए आ जाओ सोयाबीन का एरिया ये नबार्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखते हो तो नबार्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि कौन सी स्टेट के अंदर सोयाबीन का सबसे ज़्यादा एरिया है तो एम 50 परसेंट से भी ज़्यादा एरिया यानी कि अगर पूरे देश में 100 हेक्टेयर जगह पर मैं सोयाबीन ग्रो करता हूं तो 50 हेक्टेयर तो एमपी में ही है ठीक है तो एमपी के पास सबसे ज़्यादा एरिया है सोयाबीन कल्टीवेशन का फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान बट प्रोडक्शन अब आप देखोगे डिफरेंस आ जाएगा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की है एमपी के पास एरिया सबसे ज्यादा है लेकिन महाराष्ट्र अराउंड 48.07 परसेंट प्रोडक्शन करता है मध्य प्रदेश से भी ज्यादा तो अब जैसे उसने नबार्ड के पिछले साल के पेपर में पूछ लिया कि एरिया सबसे ज्यादा किसके पास है एमपी था वो सिमिलरली ये भी पूछ सकता है कि प्रोडक्शन किसकी सबसे ज़्यादा है अगर उसने प्रोडक्शन किसकी सबसे ज्यादा पूछ लिया है मेरे से शर्त लगा लो 90 बच्चे एमपी आंसर लगा करके आ जाएंगे और खुश होकर के आएंगे कि वाह वाह पेपर बड़ा आसान था मेरा तो बड़ा अच्छा हो गया पर ऐसा नहीं है ठीक है सोयाबीन के यील्ड की बात करें तो तेलंगाना 1503 केजी पर हेक्टेयर के साथ सबसे ज्यादा है इरीगेशन अगेन तेलंगाना नाइन का तो हाइएस्ट है इरीगेशन सोयाबीन में तो सोयाबीन एक हाईली रेन फेड क्रॉप है इंडिया के अंदर अभी इसके लिए इरिगेशन पोटेंशियल डेवलप्ड ही नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे देखोगे तो अपना सर पकड़ लोगे तुम 0.5 परसेंट ऑल इंडिया लेवल पे सिर्फ 0.5 परसेंट पोटेंशियल डेवलप्ड है इरिगेशन का यानी कि अगर 100 हेक्टेयर जगह पर सोयाबीन ग्रो हो रहा है तो सिर्फ आधा हेक्टेयर जगह ऐसी है जहां पर इरिगेशन अवेलेबल है बाकी सारे का सारा रेनफेड है सोयाबीन के बाद नेक्स्ट आ जाता है सनफ्लावर कर्नाटका फिफ्टी से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है सनफ्लावर की सॉरी uh, एरिया में कल्टीवेट कर रहा है ठीक है उसके बाद महाराष्ट्र और उड़ीसा प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा कर्नाटका है 46.54 के साथ फॉलोड बाय हरियाणा एंड उड़ीसा येल्ड की बात करें तो तेलंगाना का यील्ड सबसे ज्यादा है सेवन वन फोर के जी पर हेक्टेयर के साथ इरीगेशन हरियाणा में हंड्रेड है और ऑल इंडिया लेवल पर थर्टी है तो ऑल इंडिया एवरेज और हरियाणा यही तो बेचर बेटर डिफरेंस है जब हम बोलते हैं ना कि आ, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसके अंदर रीजनल बायसडनेस है रीजनल इम्बैलेंस है तो यहीं से तो रीजनल इम्बैलेंस दिखता है कि एक स्टेट में तो हंड्रेड है और ऑल इंडिया एवरेज सिर्फ थर्टी है नेक्स्ट आ जाओ कॉटन के ऊपर कॉटन में देखो जी एरिया महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा है 32.95 परसेंट के साथ फॉलोड बाय तेलंगाना एंड गुजरात प्रोडक्शन भी महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा है 27.10 परसेंट के साथ फॉलोड बाय गुजरात एंड तेलंगाना यील्ड की बात करें तो राजस्थान का सबसे ज्यादा है इरिगेशन की बात करें तो हरियाणा में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है 99.6 परसेंट और ऑल इंडिया जो इरिगेशन है वो 45.1 परसेंट है जूट एंड मेस्टा पे आ जाओ एरिया वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा है सेवेंटी फॉलोड बाय बिहार एंड असाम ये जूट एंड मेस्टा तो वैसे भी तो, ये आपके तीन ही स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल बिहार असम जो मेजर के अंदर आते हैं उसके अलावा तो छोटा मोटा होता है बिल्कुल तो प्रोडक्शन में भी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल ही है के साथ फॉलोड बाय बिहार एंड असम की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा, है, 3172 का. Cane, crop, सबसे ज़्यादा बेटा, के पास फोर्टी फोर पॉइंट एट नाइन परसेंट फॉलोड बाय महाराष्ट्र फिर कर्नाटका प्रोडक्शन अगेन यूपी फोर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन यील्ड की बात करें तो तमिलनाडु का सबसे अच्छा है ना यूपी का है ना एमपी का है ना कर्नाटका है सबसे अच्छा तमिलनाडु का याद रखना है, ये पेपर में पूछा जाता है और क्योंकि बच्चे यूपी और महाराष्ट्र में कंफ्यूज रहते हैं उनका तमिलनाडु पे ध्यान ही नहीं जाता ओके okay. इरीगेशन बेटा चार स्टेट में हंड्रेड डेवलप्ड है शुगर केन के लिए महाराष्ट्र तमिलनाडु हरियाणा एंड एमपी ऑल इंडिया लेवल पे इरीगेशन पोटेंशियल काफी अच्छा है इसका नाइनटी का फाइनली जो इस लेक्चर के अंदर इस वीडियो के अंदर हमने क्रॉप डिस्कस करनी है टोबैको टोबैको की अगर हम बात करें एरिया सबसे ज्यादा गुजरात में है फोर्टी पॉइंट वन थ्री परसेंट फॉलोड बाई कर्नाटक एंड आंध्रा प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर है लेकिन दूसरे नंबर पर कर्नाटका नहीं है आंध्र प्रदेश है और फिर उत्तर प्रदेश है तो आप देख रहे हो प्रोडक्शन में टॉप थ्री में कर्नाटका आता ही नहीं है गुजरात फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव परसेंट टोबैको इंडिया का प्रोड्यूस करता है येल्ड यूपी का सबसे अच्छा है अट्ठाईसो के जी पर हेक्टेयर का इरिगेशन गुजरात का सबसे अच्छा है सौ परसेंट का और ऑल इंडिया लेवल पे सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट इरीगेशन डेवलप्ड है ठीक है बेटा सो दिस इज इट गाइस अब देखो ये बहुत फास्ट चला है और फास्ट ही चलाना है इसका मोटिव है इसको मैं स्लो स्लो चलाऊँ दो घंटे में इतना कंटेंट कवर कराऊँ तो कोई फायदा नहीं है और इसको एक बार में ये याद नहीं होगा तो टेंशन नहीं लेना है पी डी एफ आपको मिल जाएगा नोट बना करके अपने डेस्क पे चिपका लो या दीवारों पे चिपका लो ठीक है और दो घंटे में तीन घंटे में एक क्रॉप के बारे में पढ़ो बाकी टाइम बाकी पढ़ाई करो बीच में जब रेस्ट के लिए उठते हो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उठते हो ठीक है थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के लिए उठते हो तब ये पढ़ो और हो जाएगा आपके आराम से दो चार पाँच क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉप वाले डाटा से ठीक है जी चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सी सिया